नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रोटर, स्टेटर, फील्ड और आर्मेचर। ये जनरली जो है इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन के भाग हैं। और यहाँ पे दोस्तों जनरली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा भाग आर्मेचर होगा, कौन सा भाग फील्ड होगा, कौन सा रोटर होगा, कौन सा स्टेटर होगा। आई होप कि दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज होगा, इसके बारे में पता होगा। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको या तो पता नहीं होता, या फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है इसके बारे में गलत पता होता है, थोड़ा बहुत उन्हें कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। और मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे तो इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो आप लोगों का दूर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हम लोग जानेंगे आज की क्लास में कि रोटर, स्टेटर क्या चीज है, फील्ड आर्मेचर क्या चीज है। अब देखो दोस्तों, अपने पास में इलेक्ट्रिकल मशीन होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन में मेनली या तो मोटर होता है या फिर जनरेटर होता है। मशीन में मोटर और जनरेटर। अब जो मोटर है वो एसी और डीसी दो प्रकार की हो सकती है, और जनरेटर है वो भी एसी और डीसी दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो दोस्तों, मोटर हो, समझने की कोशिश करना, मोटर, मोटर में एसी हो या फिर डीसी हो, अथवा अथवा जनरेटर हो, और जनरेटर में भी दोस्तों एसी हो या फिर डीसी हो। यदि हम लोग रोटर और स्टेटर की बात करें, तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। रोटर का मतलब होता है घूमने वाला भाग और स्टेटर का मतलब होता है स्थिर भाग। तो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, ये सभी के लिए कॉमन चीज हो गई कि रोटर का क्या मतलब हुआ, घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग। ठीक है, और स्टेटर का क्या मतलब हुआ, स्टेटर, स्टेटर का मतलब हुआ स्थिर भाग। कोई भी जो मशीन होती है उसके अंदर मेनली दो भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। रोटर का मतलब जो रोटेट करता है, और एक दूसरा भाग होता है उसके साथ ही जो स्थिर रहता है उसे हम लोग स्टेटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, रोटर का मतलब रोटेटिंग पार्ट, घूमने वाला भाग। अब आप किसी भी मशीनरी का जब भी संरचना, उसकी बनावट, उसकी वर्किंग पढ़ोगे तो वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि जो भाग घूम रहा है वो रोटर है और जो भाग स्थिर है वो स्टेटर है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों फील्ड और आर्मेचर आ जाता है। ठीक है, फील्ड और आर्मेचर, अब इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आर्मेचर के बारे में। तो दोस्तों जब कभी भी यदि हम लोग आर्मेचर की बात करते हैं तो वास्तव में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे होते हैं। रियल में हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग की मतलब एक तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेट करके देखेंगे उसको। ठीक है, जहां कहीं भी आर्मेचर होगा तो वहां पे 100% है आर्मेचर वाइंडिंग होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यदि हम लोग इन मशीनरी में आर्मेचर वाइंडिंग का पता लगाने की कोशिश करें, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, तो यहां पे देखो दोस्तों, आप लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रखा होगा फैराडे का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। उसके अंतर्गत क्या कहता है कि एक जब कोई एक फ्लक्स जो है किसी चालक को काटता है तो उस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों यही जो नियम है वो इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स होती है, मोटरों के अंतर्गत कैसे लगता है कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है तो उस धारावाही चालक के ऊपर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, तो मतलब जो मशीनरी है, जो भी मशीन है, मशीन के अंदर क्या होगा, एक मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होगा। ठीक है, एक मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होगा जो किसी चालक को काटेगा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होगा जो किसी चालक को काटेगा। तो जिस चालक को काटता है वो क्या कहलाता है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग कौन सा भाग होता है दोस्तों, वह भाग जिसे मुख्य फ्लक्स काटता है। या फिर दोस्तों
यदि जनरेटर और मोटर है, ये जनरेटर है, एसी जनरेटर बोल दो, अल्टरनेटर हो या फिर डीसी जनरेटर हो, तो उसमें सिंपली हम आर्मेचर वाइंडिंग उसको कहेंगे, वह भाग जिसे भार से जोड़ा जाता है, भार लोड से जोड़ा जाता है, लोड से जोड़ा जाता है, लोड से जोड़ा जाता है 100% है वह भाग जिसे लोड से जोड़ा जाएगा। किसमें दोस्तों? ये जनित्र में है, जनित्र में। अब जनित्र जो है वो एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है, जिसको भी हम किससे जोड़ेंगे, जिस भाग को हम भार से जोड़ेंगे उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आर्मेचर कहेंगे। जैसे मान लो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का जो अंदर का भाग है, रोटेटिंग भाग है, वो आर्मेचर है और उसी को हम भार से जोड़ते हैं, ठीक है। और जो अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक होता है, प्रत्यावर्तक में बाहरी भाग जो है उसको हम डायरेक्टली लोड से जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। वह भाग जिसे भार से जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों एक चीज और बच गया अपने पास में, फील्ड बच गया, ठीक है। फील्ड, तो फील्ड कहलाता है दोस्तों, फील्ड मतलब वह भाग जो मुख्य फ्लक्स उत्पन्न करता है, वह भाग जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। अब देखो दोस्तों इसके अलावा जो है आर्मेचर, जो है आर्मेचर का प्रतिरोध हमेशा कम होता है, आर्मेचर का, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आर्मेचर का प्रतिरोध हमेशा कम होता है, यहां पे दोस्तों जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसका प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यार, ये जो चीजें है ना, ये जनरेटर्स के लिए, जनरेटर हो या फिर अल्टरनेटर हो उसके लिए तो आप आसानी से समझ जाते हो, ठीक है। लेकिन यदि यही चीज जो है एसी मोटर्स के अंदर पूछी जाए तो फिर वहां पे फिर से स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों देखो, यदि हम लोग बात करें किसकी, एसी मोटर्स की, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं तीन फेज इंडक्शन मोटर में दोस्तों जो स्टेटर है, देखो समझना, तीन फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो स्टेटर क्या करेगा, मेन फ्लक्स उत्पन्न करेगा और बीच में क्या होता है, एक रोटर होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, रोटर होता है। तो ये क्या करेगा, मेन फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ये क्या है, स्टेटर है। लेकिन आप समझो ये क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। और अभी मैंने क्या बताया, वह भाग जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। तो ये जो स्टेटर है इसी को हम क्या कहेंगे, फील्ड कह सकते हैं, स्टेटर को ही हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। समझ रहे हो बात को, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मेन फ्लक्स जो उत्पन्न कर रहा है ये स्टेटर है और इसी को हम फील्ड कहेंगे, और जो रोटर है जिसको फ्लक्स काटता है, जिसको मुख्य फ्लक्स काटेगा, इसको काटेगा, ये क्या है, रोटर है। वैसे मोटर के लिए नॉर्मली हम लोग रोटर कहेंगे, इसको घूमने वाला भाग है, लेकिन इसको काटता है तो वह भाग जिसे मुख्य फ्लक्स काटता है क्या कहलाता है, आर्मेचर। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्मेचर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा तीन फेज इंडक्शन मोटर के बारे में भी, ठीक है। मतलब मेन फ्लक्स जो उत्पन्न करेगा ना वो फील्ड कहलाता है, हमेशा फील्ड कहलाता है। तो ये फील्ड है और ये जो रोटर है यहां पे जिसको काट रहा है, यहां जो रोटर में चालक है वो क्या है, आर्मेचर चालक। समझ लो, ठीक। ऐसे जैसे डीसी मोटर है, डीसी मोटर में फिर कंफ्यूजन होगा, डीसी मोटर में क्या है, फील्ड वाइंडिंग को भी हम सप्लाई देते हैं और आर्मेचर, डीसी मोटर, देखो डीसी मोटर के लिए भी समझो,
डीसी मोटर। डीसी मोटर में डायरेक्टली आप लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सा आर्मेचर है कौन सा फील्ड है, वहां पे आप लोग जो वाइंडिंग का प्रतिरोध है उसको ज्ञात करके ही जो है आप लोग बता सकते हो कि कौन सा आर्मेचर है और कौन सा फील्ड वाइंडिंग है। तो वहां यदि आप लोग डीसी मोटर्स में देखोगे तो अंदर की तरफ तो क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और यहां बाहर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहां पे ये आर्मेचर, इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो प्रतिरोध कम होगा। अब देखो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इन वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है। ये क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च, ठीक है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होता है इसका निम्न, तो प्रतिरोध इसका कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर कहलाएगा। तो प्रतिरोध हमेशा कम होता है, इसका प्रतिरोध हमेशा कम होगा, ये डीसी मोटर्स में, ठीक है। तो ये आर्मेचर, ये फील्ड। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि आर्मेचर क्या है, फील्ड क्या है। आर्मेचर मतलब, आर्मेचर मतलब वह भाग जिसे मुख्य फ्लक्स काटता है, या फिर जनरेटर की बात करें तो वह भाग जिसे हम लोग लोड से जोड़ते हैं, जिसे हम भार से संयोजित करते हैं, वो क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। और फील्ड क्या कहलाता है, जो फ्लक्स उत्पन्न करता है, जो मेन फ्लक्स उत्पन्न करता है वो फील्ड कहलाता है हमेशा, ये याद रखो, ठीक है। और स्टेटर और रोटर की बात आई तो उसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, स्टेटर स्थिर भाग है और रोटर क्या है, रोटेटिंग भाग है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।